और समस्त राम की हमारी बिल्कुल बड़ा स्किल है सारी सरदारी को। और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, हमेशा आपका आशीर्वाद सांसद भाई जितेंद्र उड़ा जी के साथ रहा है। आप कांग्रेस पार्टी की ताकत हैं, पहले भी आपने दूसरे अनुरोध है गाँव के बुजुर्गों से मिलने दें, कृपया करके गाँव के लोगों से ही मिलने दें।
ये बीजेपी की है। हरियाणा प्रदेश की सरकार के पांव लड़खड़ा गए। ये सरकार एक नकारा और एक ऐसी सरकार साबित हुई जिससे हर आदमी हर वर्ग इस सरकार से दुखी हो गया। हरियाणा प्रदेश देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा महंगाई, नशे में बढ़ोतरी हरियाणा में हुई। आज किसान पे अत्याचार, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स खत्म कर दी। 100-100 गज के प्लॉट की, मकान की, इंदिरा आवास योजना हमारे समय आती थी। इस सरकार में कोई काम हुआ नहीं, पढ़े लिखों को रोजगार नहीं, हर घर में महंगाई की मार, विकास का एक काम पिछले 10 साल में इन्होंने किया नहीं। उदाहरण आप देखो, ये चूचकवास का बाईपास हमारे समय में ध्यान लगी बाईपास निकल जाती थी। ये बाईपास 2013 में मैंने मंजूर कराया था। 10 साल तक मंजूर शुदा बाईपास इसके पैसे का ब्याज भर रही है हरियाणा सरकार, लेकिन आज तक आपने देखा हो बाईपास पर नहीं बना पाई। नया कोई कारखाना, कोई थर्मल, कोई रेल की लाइन, हाईवे, सड़क तो दूर की बात है, मंजूर शुदा काम भी ये सरकार जो करा नहीं पाई। राज जाने का ये नुकसान होता है, तो अब ये मौका है राज को अपने दोबारा इलाके में लाने का, ताकि हमारा इलाका विकास में आगे जाए। ये लड़ाई आपने देखा होगा कितनी बीजेपी की सरकार की इतनी अलोकप्रियता हो गई, लोगों में इतना भारी विरोध हो गया कि बीजेपी को बीच में ही इलेक्शन के बीच में अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा कि नहीं बदलना पड़ा, यानी कि खुद ही हार मान के, और उसके बाद उप मुख्यमंत्री की छुट्टी करनी पड़ी, और उसके बाद इनके विधायक रुक नहीं रहे, छटक छटक के कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। रोहतक तो जीत ही रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से भी राहुल गांधी के चुनाव जीत रहे हैं। बदलाव की तरफ हरियाणा कदम बढ़ा लिए। ये मौका है राज को अपने दोबारा इलाके में लाने का और अपने इलाके को विकास के मामले में ऊपर उठाने का। आप मौका चुकोगे तो नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये लड़ाई हरियाणा के को उज्जवल भविष्य की तरफ लेकर जाने की लड़ाई, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है, और ये लड़ाई हमारे क्षेत्र को विकास के मामले में अपने राज अपने घर में लाने की और हमारे क्षेत्र को दोबारा से विकास के मामले में उठाने की लड़ाई। जैसे पिछली बार कहीं इंडस्ट्री आ रही थी, कहीं रिलायंस आ रही थी, कहीं एनटीपीसी आ रही थी, कहीं जेके सीमेंट आ रही थी, आने वाले समय में झज्जर भी गुड़गांव के स्तर पर पहुंचे, नोएडा के स्तर पर पहुंचे, हमारी अगली पीढ़ी को अच्छा भविष्य हम अपने आंगन में दे पाए, ये इस बात की लड़ाई है। इस लड़ाई में मैं पूछना चाहता हूँ, अपना गाँव और अपने गांव से हमारा बहुत पुराना संबंध। जब मेरे स्वर्गीय दादाजी ने चुनाव लड़े 52 में 57 में 62 में, तब अपने गांव ने पूरा आशीर्वाद दिया। जब हुड्डा साहब ने सारे चुनाव लड़े, तब आपने पूरा आशीर्वाद दिया, और जब मैंने चुनाव लड़े तब आपने पूरा आशीर्वाद, आपकी तीन तीन पीढ़ियों को आपने आशीर्वाद दिया है। अपने गाँव का तो हम एहसान सारी उम्र, आखिर जीवन की अंतिम सांस तक अपने गांव से, कातिवास गांव से कोई हमारे पास कोई आ जाएगा, जीवन के अंतिम सांस तक भी कोई अगर आ गया तो उसको मना नहीं कर सकते। तीन पीढ़ियों का संबंध एक दिन में नहीं बनता और एक दिन में फीका नहीं होता। आपने देखा, आपने खट्टर साहब को मौका देखा, 10 साल में आए नहीं, झज्जर हल्के भी नहीं आए, अब करनाल चलेंगे उठाना देने जाएंगे तो कहां जाएंगे। और जो डॉक्टर अनिल शर्मा जी थे, उन्होंने भी हल्के में 5 साल में धन्यवादी दौरा ही नहीं किया, तो काम तो बाद में कराएंगे, क्या काम की होगी क्या है। पर अपनों का तो फर्क ये होता है कि अगर काम करेंगे तो भी आपसे आगे आशीर्वाद लेंगे, कहीं कोई कमी रहेगी तो भाई हम तो कहीं और जा नहीं सकते, आपके पास आएंगे, जो आप 10 बार काम को रखे आप घटना भी दोगे तो उसको दूर कर देते हैं। भाई गांव सारी आपको सब पता है, तो मैं गांव से पूछना चाहता हूँ, भाई अपना गांव का पूरा आशीर्वाद पूरा साथ मिलेगा तो एक बार हाथ उठा कर।